अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रामगिरी ने जो रसूलुल्लाह की तौहीन की और वो जो जुमले इस्तेमाल किए, वही जुमला नपुर शर्मा ने भी इस्तेमाल किया और आज 1400 साल से वही जुमला इस्तेमाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवनचरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे कि 6 साल की लड़की से अल्लाह के रसूल ने निकाह किया। तो रामगिरी तक ये मेरा वीडियो पहुंचा दो, वो जहां बुलाता मैं आने के लिए तैयार हूं, वो मेरे सामने बैठ के बात करे। उसने जिस किताब में पढ़ा या उसको जिसने बताया है वो किताब लेकर आए, चाहे वो मुसलमानों की कोई भी ग्रंथ की किताब हो, चाहे जैसी किताब हो, मैं उसको साबित करूंगा कि प्रॉफिट ने जब निकाह किया, पैगंबर ने जब निकाह किया अम्मा आयशा से, तो उनकी उम्र 19 साल थी या 29 साल थी, ये मैं साबित करूंगा। वो 19 साल से ऊपर थी, लास्ट 29 साल तक उनकी उम्र थी। ये 6 साल की एक बात है, एक कहानी है, एक स्टोरी है जो उस वक्त लोगों ने गढ़ दिया प्रॉफिट को बदनाम करने के लिए, और आज तक मौलवी मुल्ला हर जात धर्म का ये समझ नहीं पाया, हर मसलक और फिरके का ये समझ नहीं पाया कि ये रसूलुल्लाह पे तोहमत है। मौलवी भी बड़े फखर से इसको मस्जिदों में बयान करता था, आज यही बात दूसरे जात धर्म के लोग रसूल अल्लाह की शान में बोलकर उनकी गुस्ताखियां कर रहे हैं। ये सरासर झूठ बात है कि अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी, अम्मा आयशा की उम्र 29 साल थी, कम से कम 19 साल थी जब अल्लाह के रसूल से निकाह हुआ। और ये जो रामगिरी ने कहा है और जिस हिसाब से कहा है, ये वही आदमी है जो आज से 2-3 साल पहले मुसलमानों को अपने आश्रम में बुलाकर भंडारा खिलाया, रसूल अल्लाह की तारीफ किया और मुसलमानों को गले लगाया। आज क्या हो गया कि इसने प्रॉफिट रसूल अल्लाह मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई किया। वंश मरना है मारे बापे केवल काशी, पेने नव जावे तीर्थाशी, आज अपन माय बापांची वाट लावलेली आहे। मी इथे शॉर्ट मध्ये तुम्हाला सांगू इच्छितो, कुराणाचा एक संदेश आहे, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत। तुकोबांचं म्हणणं आहे नाशिवंत देह जाणार सकळ। अरे वेड्या, एकदा मरायचे तुला, मृत्यूचं स्मरण कर, सदा सर्वदा राहण्याकरता इथे आला नाही, आज नाही तर उद्या। आज इतरांना तू खांद्यावर घेऊन जातो, उद्या बाकीचे तुला खांद्यावर घेऊन जातील। पैगंबर साहब म्हणाले, तुम दुनिया में आए तो रोते हुए, लेकिन दुनिया ने खुशियां मनाई, बरोबर ना? पेड़े वाटले, मिठाई वाटली, बाल जन्माला आलो। पैगंबर साहेब ये क्या वजह हो गई कि इसने रसूलुल्लाह की तौहीन किया, बुराई किया? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक है, महाराष्ट्र में इलेक्शन करीब है, महाराष्ट्र का माहौल खराब करना है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है और राजनीतिक रोटी सेकना है, इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। मुसलमान कानून पर भरोसा रखें, पुलिस स्टेशन का रास्ता इख्तियार करें, कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें। इससे पहले भी नपुर शर्मा ने यही कहा था, तो मैं एक बात ये मुसलमानों से कह देना चाहता हूं कि इस बात को क्लियर कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि अम्मा आयशा की उम्र 6 साल नहीं थी। और जो सही हवाले हैं या रसूलुल्लाह की जिंदगी को नापा जाए, अम्मा आयशा की जिंदगी को तोला जाए और उसको मिलाकर अगर आप दुनिया के सामने उस बात को रखोगे, तो भी अम्मा आयशा की उम्र 19 साल होती है। और जो हमारे पास प्रूफ है, पूरी जिंदगी का नाप तौल मिलाकर रखा जाए बिना किताबों के, तो 29 साल उम्र पड़ती है। 6 साल की लड़की का निकाह, ये बातों को इतना हवा दिया गया है और इसी बातों को लेकर अल्लाह के रसूल की तौहीन की गई है। मैं तमाम मजहबी स्कॉलर, तमाम मसलकों के मौलवियों से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपनी मस्जिदों में,
अपनी महफिलों में ये बयान बंद करें कि अम्मा आयशा की उम्र 6 साल थी, वरना ऐसे गुस्ताखों को मौका मिलेगा अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने के लिए। रामगिरी संत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम भी संत हैं और हम संत ताजुद्दीन बाबा के मानने वाले हैं, संत गजानन महाराज के मानने वाले, संत तुकाराम महाराज के मानने वाले, साईं बाबा के मानने वाले। एक बात याद रखना, संत कभी दो जात धर्म में झगड़ा नहीं लड़ाएगा, संत कभी भी नफरत की बात नहीं करेगा। संत का काम है सबको लेकर चलना, मोहब्बत की बातें करना, हर जात और धर्म से मोहब्बत करना, सबको गले लगा के रखना, सबसे प्यार करना। संत का काम कभी नहीं है नफरत फैलाना। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े संत गए हैं दुनिया से, जिनकी तालीम, जिनकी बातें आप सुनोगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। ऐसे ऐसे महाराज, ऐसे ऐसे संत गए हैं। कोई गद्दी पे बैठ जाए, चोला पहन ले और उसके बाद अपने आप को संत कहे तो ये संत नहीं है। और रामगिरी, मेरा चैलेंज है, तू जिस किताब से तूने ये बात बताई है, जहां पर तू है मैं आता हूं, मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर। मैं तुझको बताता हूं कि 6 साल उम्र नहीं थी, 19 साल थी या 29 साल थी। और अगर मैं साबित करूंगा तो याद रख लेना एक बात कि सरे आम तुझको रसूलुल्लाह की शान में जो तूने गुस्तागी किया है तुझको माफी मांगना पड़ेगा। और याद रखना, अगर वाकई में तू संत बनना चाहता है, तू है नहीं, तो सबसे मोहब्बत कर, सबको साथ में लेकर चल। ये राजनीतिक मसले में पड़ के संतों का नाम खराब मत कर। ये महाराष्ट्र संतों की भूमि है, सूफियों की भूमि है, और यहाँ का मराठी मुसलमान, मराठी हिंदू बहुत मोहब्बत करने वाला है, आपस में एक दूसरे के कांधे से कंधा मिला के चलने वाला है। नफरत को कभी भी यहाँ हवा नहीं मिलेगी। हर आदमी को किसी न किसी की जरूरत है, हिंदू को मुसलमान की, मुसलमान को हिंदू की। तो मिलजुल के यहाँ महाराष्ट्रियन रहते हैं और रहते रहेंगे। तो आप लोग कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे इनको और मौका मिले राजनीतिक करने वाले को। और ये संत नहीं है, ये राजनीतिक बहरूपिया है। ये किसी की बात में अगर इसने कहा है तो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें, पुलिस स्टेशन का रास्ता इख्तियार करें, और तमाम उलमा मिलकर ये बात क्लियर कर दें कि अल्लाह के रसूल ने जब निकाह किया तो अम्मा आयशा की उम्र 6 साल नहीं थी, असली उम्र बताएं जो 19 साल थी या 29 साल थी। अस्सलाम वालेकुम।